नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कवर कर रहे हैं। तो मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम तक कवर किया है। देखो, ये हमारे पास क्या है, गेट का सिलेबस है। ये हमारे पास क्या है, सीएसआर नेट का सिलेबस है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 80% क्या ऑलमोस्ट हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेज़र फिजिक्स। तो देखो, लेज़र फिजिक्स जो है, लेज़र फिजिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का ही पोर्शन है सिलेबस में, गेट और सीएसआर नेट के, ठीक है। और सेम सिलेबस आपको देखो किसका मिलेगा, जेस्ट में भी आपको वही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। और आप यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल यदि आप लोगे तो उसमें भी आप देखोगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सेम सिलेबस है। जियो फिजिक्स का भी आप करोगे तो आप वहाँ पे भी देखोगे सेम सिलेबस है। या ऑलमोस्ट ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो सेमेस्टर कोर्स होता है या ईयरली कोर्सेज जो होते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सेम कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बताया, मैं ऑलमोस्ट 80% के आसपास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का कोर्स कवर कर चुका हूँ। आप चैनल पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, अभी आपको मैं लेज़र फिजिक्स कवर करूँगा अब अपना। तो देखो, लेज़र फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, फिर हमारे पास स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, आइंस्टाइंस ए एंड बी कोफिशियंट होगा, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, रेट इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट इक्वेशन हम पढ़ेंगे, मोड ऑफ रेजोनेटर, कोहेरेंस लेंथ वगैरह पढ़ेंगे, टू एंड थ्री लेवल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ा है तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रह गया है, ठीक है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस रह गया, स्पिन रेजोनेंस रह गया, रमन इफेक्ट है, तो ये कुछ टॉपिक हैं, ये भी मैं कवर करूँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अभी सिलेबस से इंट्रोडक्शन कराया। तो जैसे मैंने बताया, यूपीएससी का फिजिक्स का जो सिलेबस होता है, या जेस्ट एग्ज़ाम है, जियो फिजिक्स है, या जितनी भी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, आप वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से मैं नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा, हम लेज़र फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और लेज़र फिजिक्स हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।